कैसे हो? एकदम ठीक। कितना मजा आया था नहीं कल पिकनिक पर? बहुत मजा आया था, हमें तो आने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे भी उस लाइट हाउस के ऊपर से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा था सही में, दूर दूर तक दरिया दिखाई दे रहा था। और जानते हो वो देवर्ष है ना, उसने तो पहले से ही कितना सोच कर रखा था, वी विल बी गोइंग देयर एंड वी विल बी स्विमिंग इन द सी, ऐसा सब हमने तो किया ना, वो भी था। कितना मजा आया, बहुत। और इन सबके बारे में आपने लिखा होगा ना, वहाँ बोल रहे थे कुछ रिपोर्ट्स लिखने वाले हैं। लिखा तो था पर आपकी आपकी जैसे अंग्रेजी में नहीं लिखा। अच्छा, आपने जैसा बताया था उतना हम अच्छा नहीं लिख पाए। अरे कोई बात नहीं, वैसे तो आप लोग काफी अच्छा सीख ही रहे हो, और सीख जाएंगे आज, है ना। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करती हूँ, पहले मैं अपनी पिकनिक के बारे में बताती हूँ। तो कुछ 2-3 साल पहले मैं जब पिंडवल रहती थी ना, तो हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पर पिकनिक गए थे, हम भी कभी जाएंगे, है ना। तो उसके बारे में मैंने इंग्लिश में लिखा है। देखना बहुत इजी है, जैसे आपके दोस्तों के साथ हमने बात की थी ना, वैसे ही आप लोग भी सीख सकते हो। वो बात तो आपने देखी सुनी होगी ना, वीडियो देखा होगा ना। हाँ। बस उसी से आगे अभी हम जाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये सुनिए मेरा वर्णन। Our picnic was in December 2017. We went to Savatkhada Falls. There was a lovely rainbow near the falls. Birds were singing. We saw that beautiful scene. After some time, we played games. After lunch, Asha performed a dance. Ganga played a dholak. Then we all did garba. We enjoyed so much. चलो अब मेरी पिकनिक के बारे में तो सुना, कुछ कुछ वाक्य समझ में आए होंगे ना। हाँ। बस अभी तुमको भी कोशिश करनी है, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है कि जो बोलने से ही ज्यादा आती है। जैसा आए वैसा बिंदास बोलो, ठीक है? Our picnic was last Sunday. Yes. We was on the sand. अच्छा, प्ले को लेकर ट्राई करो, जैसे पिछले एपिसोड में हमने किया था। वी वेंट प्ले ऑन द रेंट। हाँ, अच्छा, प्ले की जगह प्लेड किया था, याद है? हाँ, तो जैसे प्ले को लेकर आपको बोलना है कि पानी में खेले थे, तो कैसे बोलोगे? वी प्लेड इन द वॉटर। यस, बहुत अच्छे। हेलो दोस्तों। हेलो। देखो लास्ट टाइम हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, मितेश और प्रिंस तो थे, लेकिन तुम लोगों ने सुना तो होगा ना हम क्या बात कर रहे थे। हम पिकनिक के बारे में बात कर रहे थे ना, जो हम गए थे। तो मैंने अपने अनुभव के बारे में बताया। चलो अभी हम हमारी पिकनिक को याद करते हैं। हम गए थे ना उमरगाम, देवर्ष भी आया था, आदित्य भाई भी आए थे। तो जब जाने का आयोजन कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? वी विल बी गोइंग, वी विल बी हैविंग स्नैक्स, वी विल बी स्विमिंग इन द वॉटर, है ना। कि वो तो हम जाने की बात कर रहे थे, इसलिए अब तो हम जा चुके। हाँ। तो अभी हमें उसके बारे में लिखना है। आपने कहा था कि आप सीखना चाहते हो। हाँ। तो जैसे वी विल बी गोइंग इन द बस की जगह पर अभी मैं ये बोलूंगी वी वेंट इन द बस, है ना। वो भूतकाल के रूप देखे थे ना हमने। हाँ। तो उसको अभी हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या वाक्य हो सकता है? दैट We had lunch, ऐसा सब, है ना। तो वैसे अभी तो काफी कुछ आ ही रहा है तुम लोगों को, तो अभी एक एक वाक्य तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है? हाँ, अभी हंसी आएगी बोलने में लेकिन आ जाएगा, बोलोगे तभी आएगा, चाहे जितनी भी हंसी आए बोलते जरूर रहिए, है ना। चलो कौन बोलेगा सबसे पहले? मैं। ओके। Our picnic was on लास्ट संडे। एकदम सही। और कौन बोलेगा? मैं। ओके। वी प्लेड इन द वॉटर। अरे वाह, एकदम सही। और आई वॉज प्ले इन द सैंड। ओके, बहुत सरस। हाँ। वी क्लाइम द लाइट हाउस। अरे वाह, परफेक्ट। बहुत ध्यान से देख रहे हो लगता है वीडियोस, और हमारी बातें सुन रहे हो, बोल भी रहे हो, घर जाकर भी बोलते हो ना। यस। तभी आता है, बहुत अच्छी बात है। वी एंजॉयड वेरी मच यस्टरडे। वी एंजॉयड वेरी मच यस्टरडे, ये बहुत अच्छा आइडिया था, ठीक है। तो
तो अभी तो अच्छा सीखने लगे हो, भूतकाल के बारे में कैसे बोलना है समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा और आगे सीखना हो तो हमें ये सीखना होगा कि उसमें से प्रश्न कैसे पूछते हैं, ठीक है? तो जैसे हम गए थे, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो कैसे पूछोगे? कोई एक प्रश्न पूछो मुझे. यू वर प्लेइंग यस्टरडे. हाँ, तो मैं समझ गई कि क्या पूछना चाहते हो. यू वर प्लेइंग यस्टरडे मतलब ऐसा पूछना है ना कि क्या कल खेल रहे थे करने. तो अब प्रश्न पूछते वक्त थोड़ा उल्टा सुलटा हो जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए हम पहले एकदम इजी स्टेप लेते हैं, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि अभी जो क्रिया हो रही है उसके बारे में वो जो हम वाक्य बोलते हैं उसको किस तरह से देखा जाता है, और उस पर से हम सीखेंगे प्रश्न बनाना, ठीक है? तो चलिए, तो हम कह रहे हैं कि हमें ठीक से सिखाइए. अच्छी बात है, यही तो सबकी बात अच्छी लगती है मुझे कि तुम लोगों को सीखने में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि तुम जब अच्छे स्टूडेंट्स हो. तो चलो अब ये टेबल को देखते हैं, है? देखो अब इस वाक्य को ठीक से देखो. यू आर स्पीकिंग नाउ, तो उसमें क्या लगता है? इसमें टाइम और एक्शन को हमें अलग करना है. तो क्या होता होगा, कुछ भी गप्पे मारकर बताओ कि क्या है टाइम और क्या है एक्शन. आर है टाइम और स्पीकिंग है एक्शन. अच्छा, अच्छा होमवर्क करके आए हो, एकदम सही, ऐसा ही है. आर है टाइम और स्पीक है एक्शन, है ना? तो चलो अभी थोड़े वाक्य लेते हैं, हाँ, और फिर मुझे बताना बारी बारी से कि कैसे होता है आपको टाइम और एक्शन को अलग करना है. ही इज जंपिंग नाउ, इसमें कौन बताएगा? मैं. बताओ. इसमें इज टाइम है और जंपिंग एक्शन. अच्छा, देखो पहले तुमने सही बताया था कि स्पीक एक्शन है, है ना? वैसे यहाँ क्या है, फिर से देखो. जंप एक्शन है. हाँ, तो जंपिंग तो हम जैसे आई वॉज जंपिंग, आई विल बी जंपिंग बोलते हैं, लेकिन जंप उसमें एक्शन है, क्रिया है, है ना? वैसे आपको देखना है. अभी शी इज लुकिंग नाउ, इसमें कौन बताएगा? मैं बताऊंगा. बताओ. इस टाइम है और लुक एक्शन है. हाँ, अब समझ में आने लगा है, ठीक से. चलो प्रिंस, अभी तुम बताओ. इट इज वॉकिंग नाउ. इस टाइम है और वॉक एक्शन है. परफेक्ट. चलो अभी से ब्रिजेश बचा है ना? ब्रिजेश बताओ. दे आर गोइंग नाउ, उसमें क्या है? आर टाइम है और गो एक्शन है. एकदम सही. तो अभी पता चल गया ना कि कैसे एक्शन और टाइम को हम अलग करते हैं. तो इसका एक उपयोग है, जब हम प्रश्न बनाएंगे ना तो ये उलट सुलट हो जाएगा. तो ये सब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं. तो ये आपको हमें एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, ये आपकी समझ के लिए है. तो आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाना इजी पड़ेगा, ठीक है? ठीक. ओके, चलो तो अभी जाते हैं प्रश्न ऊपर. अभी टाइम एक्शन आप समझ चुके हैं, और जो वाक्य हम बोले हैं ना उस पर से ही हम प्रश्न बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है. तो जैसे पहले हमेशा मेरी बारी होती है, तो मैं बताती हूँ. वो वाक्य है कि यू आर स्पीकिंग नाउ, उस पर से अगर मुझे प्रश्न बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी? आर यू स्पीकिंग नाउ, है ना? इसमें देखिए, इस टेबल में आपको पता चल जाएगा पहले टाइम आया है, फिर क्या है? डूअर. डूअर है. Doer. और फिर एक्शन है, है ना? इसमें ऐसे अलग अलग करना था, इसलिए हमने पहले टेबल को देखा. और नाउ तो अभी हम ऐसे ही रख देते हैं अभी की क्रिया दर्शाने के लिए. तो अभी इस तरीके से आपको बनाने हैं. तो ही इज जंपिंग नाउ, उस पर से अब वाक्य बनाओ. इज ही जंपिंग नाउ. सही, मैंने कहा कि वाक्य बनाओ, मुझे कहना था प्रश्न बनाओ, ठीक है? हाँ, तो अभी लेकिन आप लोग समझ गए हैं कि प्रश्न बनाने हैं, ठीक है? अभी दूसरा प्रश्न बनाओ. इज सी लुकिंग नाउ. ऐसे ही सबसे पहले हम क्या लेते हैं? टाइम. टाइम.
और उसके बाद डूअर को डूअर और उसके बाद एक्शन सही है। चलो अभी कौन बनाएगा? इज इट वॉकिंग नाउ? ऐसे बनते हैं प्रश्न है ना। और अब बता दो आर दे गोइंग नाउ? यस आर दे गोइंग नाउ? दे आर गोइंग नाउ, आर दे गोइंग नाउ? तो देखो हमने शुरू तो भूतकाल की बातों से की थी, लेकिन भूतकाल को अगर ठीक से समझना है तो उसके पहले हम ये प्रश्न बनाना ठीक से समझ लेते हैं, है ना? ठीक है, ओके। क्विज टाइम। इस वाक्य पर से प्रश्न बनाइए। आई एम सिंगिंग नाउ, तो प्रश्न क्या होगा?